दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Huawei की तरफ से आने वाले एक नए स्मार्टफोन की। जी हाँ, Huawei इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च कर सकता है अपना लोअर मिड रेंज का नया स्मार्टफोन Huawei Y7A। Huawei की तरफ से हमको लोअर मिड रेंज में फोन देके काफी ज्यादा टाइम हो गया, मतलब बहुत टाइम पहले लॉन्च हुए थे फोन, उसके बाद में Huawei थोड़ा सा शांत था भाई, लेकिन ये वाला फोन इंडिया में आपको काफी जल्दी देखने के लिए मिल सकता है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी फोन के सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्या क्या फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, किस प्राइस पॉइंट पर इंडिया में आने वाला है और कैसा होने वाला है ये फोन, सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हैं। लाइक टारगेट अपन रखते हैं 200 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई बातचीत को और सबसे पहले बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की। बिल्ड क्वालिटी, यहां पर आपको प्लास्टिक बिल्ड मिलती है, प्लास्टिक का बैक मिलता है, प्लास्टिक की फ्रेम मिलती है, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन कौन सा ग्लास मिलता है ये चीज नहीं बताई गई है। बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको ठीक ठाक मिल जाती है, एक लोअर मिड रेंज के फोन के हिसाब से आपको ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। इस प्राइस पॉइंट पर आजकल आपको ग्लास बिल्ड नहीं मिलती है। अगर ये 2019 की बात होती तो ग्लास बिल्ड मिल सकती थी, लेकिन 2020 में चांस ही नहीं है कि इस प्राइस पॉइंट पर आपको ग्लास बिल्ड मिले। तो यहां पर आपको ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। फोन का डिजाइन काफी अच्छा है, टॉप लेफ्ट में आपको थोड़ा सा टॉल रेक्टेंगल मिलता है जो कि दिखने में अच्छा लगता है, और उसके अंदर चार कैमरास का सेटअप लगाया गया है, Huawei की ब्रांडिंग मिलती है। फ्रंट में बात करेंगे तो स्क्रीन के बीच में यहां पर आपको पंच होल मिलता है, मतलब टॉप में सेंटर में आपको पंच होल मिलता है और हल्की सी चीन मिलती है। फोन का डिजाइन काफी अच्छा है, 2-3 कलर में लॉन्च हुआ है फोन, अच्छा डिजाइन है, बिल्ड क्वालिटी भी प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको ठीक मिल जाता है। डिस्प्ले की अगर बात की जाए भाई तो 6.67 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है, मतलब जितना बड़ा डिस्प्ले पोको M2 Pro, पोको X3 के अंदर दिया गया है उतना ही बड़ा यहां पर आपको डिस्प्ले मिलता है। तो डिस्प्ले का साइज तो काफी अच्छा है, फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन भी यहां पर आपको मिल जाता है, IPS LCD पैनल दिया गया है, और भाई स्क्रीन के बीच में टॉप सेंटर में यहां पर आपको पंच होल मिलता है। डिस्प्ले फोन का काफी अच्छा है, हालांकि रिफ्रेश रेट यहां पर आपको 60 हर्ट्ज ही मिलेगा, हायर रिफ्रेश रेट यहां पर देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन ओवरऑल डिस्प्ले यहां पर अच्छा मिलता है आपको। 20:9 का एस्पेक्ट रेशो मिलता है, 395 PPI की पिक्सल डेंसिटी मिलती है, तो चाहे आपको गेमिंग करनी हो, चाहे आपको कॉन्टेंट वॉच करना हो, डिस्प्ले से आपको यहां पर शिकायत नहीं आएगी। परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो परफॉर्मेंस के मामले में यहां पर Huawei ने उतना अच्छा काम नहीं किया है, क्योंकि यहां पर आपको मिलता है हाई सिलिकन किरिन 710A प्रोसेसर। ये जो प्रोसेसर है 14 नैनोमीटर पर बना हुआ प्रोसेसर है, मतलब 5nm के जमाने में 14nm का प्रोसेसर यहां पर दिया गया है। प्रोसेसर के बारे में अगर बात करें तो 2.0 GHz की पीक क्लॉक स्पीड पर A73 वाले कोर्स मिलते हैं, जो डे टू डे के काम तो आपके निकाल देंगे, डे टू डे में आपको समस्या नहीं आएगी। जब गेमिंग की अगर बात करते हैं तो आर्म वाली G51MP 4 GPU मिलता है, क्वाड कोर GPU है, लेकिन G51 जो GPU है वो थोड़ा सा पुराना GPU है और गेमिंग की परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा अच्छी नहीं देगा जितने आज के बजट वाले प्रोसेसर में मिल रहा है आपको। तो गेमिंग की परफॉर्मेंस आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। LPDDR4X RAM मिलेगी और eMMC 5.1 वाला स्टोरेज यहां पर हो सकता है। 50-50 चांसेस है भाई कि आपको eMMC 5.1 वाला स्टोरेज मिले या UFS 2.1 वाला स्टोरेज मिले, लेकिन इस प्राइस सेगमेंट के फोन में अगर UFS 2.1 वाला स्टोरेज देती है कंपनीज तो उस चीज को बड़े बड़े अक्षर में वेबसाइट पर लिख देती है, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में UFS देना थोड़ी सी बड़ी बात रहती है। बड़ी बात नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन बहुत सारे फोन्स में नहीं मिलता है आपको, तो अगर किसी फोन में UFS दिया जाता है तो उसको मेंशन कर दिया जाता है, लेकिन यहां पर कोई भी चीज मेंशन नहीं करी गई है। तो चांसेस है कि आपको eMMC 5.1 वाला ही स्टोरेज देखने के लिए मिले, और अगर वो वाला स्टोरेज मिलता है तो परफॉर्मेंस इस फोन की और ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि वहां पर रीड राइट की स्पीड भी आपको नहीं मिलेगी। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की अगर अपन बात करते हैं तो डे टू डे की परफॉर्मेंस तो आपको अच्छी मिल जाएगी, लेकिन गेमिंग आप इस फोन पर बहुत ज्यादा अच्छे लेवल की नहीं कर पाओगे। कैमरास की बात करते हैं, क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है पीछे की तरफ, जहां पर 48 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का छोटू है मैक्रो शॉट्स लेने के लिए, और 2 मेगापिक्सल का छोटू है डेप्थ सेंसिंग करने के लिए। तो कैमरा सेटअप एक एवरेज कैमरा सेटअप मिलता है, क्योंकि भाई बहुत सारे फोन्स में आपको यही कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल रहा है। 48 मेगापिक्सल का कैमरा अच्छा कैमरा है, अल्ट्रा वाइड यहां पर दिया गया है, तो भाई ओवरऑल कैमरा में बोलूंगा कि प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छा दिया गया है। लेकिन फ्रंट कैमरा की जब बात करते हैं, यहां पर केवल 8 मेगापिक्सल का फ्रंट
फ्रंट कैमरा दिया गया है, तो ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई। सेल्फी कैमरा में उतना बेटर काम नहीं किया है। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, जो रेयर कैमरा है उससे आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। फ्रंट कैमरा से आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। कैमरा सेटअप यहां पर आपको ठीक ठाक मिलता है। बैटरी की अगर बात करें भाई, तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी यहां पर आपको मिलती है। और अच्छी बात यह है कि 22.5 watt की फास्ट चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, और 22.5 watt का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। ये काफी अच्छी बात है। बैटरी का साइज भी अच्छा दिया गया है, चार्जिंग टेक्निक भी यहां पर आपको अच्छी दी गई है, और चार्ज करने के लिए यहां पर आपको टाइप सी वाला पोर्ट देखने के लिए मिलता है। साथ ही में बात करें तो 3.5 mm वाला गड्ढा, हैशटैग गड्ढा जरूरी है, वो वाला गड्ढा आपको मिलता है इसके अंदर, वो कहीं गायब नहीं किया जाएगा, तो ये काफी अच्छी बात है। और बात कर लें यहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की, तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिलता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिल जाता है। सॉफ्टवेयर की बात करते तो एंड्रॉइड 10 के ऊपर फोन मिलता है, EMUI 10.1 का सपोर्ट मिलता है, लेकिन इस फोन के अंदर आपको गूगल सर्विसेज नहीं मिलेगी। आपको पता ही है भाई कि हुआवे और गूगल के जो क्लैशेस चल रहे हैं, हुआवे में गूगल सर्विसेज आपको नहीं मिलती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एप्स वगैरह डाउनलोड करने के लिए हुआवे की खुद की ऐप गैलरी यहां पर आपको मिलेगी, तो एप्स वगैरह आप डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन प्ले स्टोर आपको वहां पर नहीं मिलेगा, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा बात कर ले तो एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है, और एक्सपेंडेबल स्टोरेज में मेमोरी कार्ड घुसड़ के आप इसको 512 GB की हार्ड डिस्क बना सकते हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। छुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर आपको फोन के अंदर मिल जाते हैं, कोई शिकायत नहीं है, कोई सेंसर में आपको कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी। ओवरऑल फोन के स्पेसिफिकेशंस अच्छे हैं, परफॉर्मेंस आपको एवरेज मिलेगा, लेकिन बाकी सारी चीजें फोन में आपको अच्छी दी गई है। बात करेंगे वेरिएंट की, तो 2 वेरिएंट में फोन लॉन्च हो सकता है, 4GB+64GB, 4GB+128GB। 4/64 का जो ग्लोबल प्राइस आया है वो आया है लगभग 13,900 रुपए के आसपास, लेकिन इंडिया में जब ये फोन लॉन्च होगा तो इतने प्राइस पर लॉन्च नहीं किया जाएगा, थोड़ा सा इसको कम कर लिया जाएगा। मेरी एक्सपेक्टेशन है भाई लगभग 12,000 के आसपास ये फोन हुआवे की तरफ से हमको इंडिया में देखने के लिए मिलेगा। अगर 12,000 के प्राइस पॉइंट पर ये फोन इंडिया में आता है तो क्या ये फोन लेने लायक रहेगा या नहीं रहेगा? मेरे विचार से भाई इस फोन के अल्टरनेटिव्स बहुत सारे अवेलेबल है, जहां पर आपको परफॉर्मेंस भी बेटर मिलेगी, जहां पर आपको भाई कैमरास भी बेटर मिलेंगे, बिल्ड क्वालिटी बेटर मिलेगी, तो आप उस तरफ जा सकते हो। 12,000 के आसपास 4GB+64GB वाला वेरिएंट मैं बोलूंगा कि नहीं। 710A किरिन का प्रोसेसर है, एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेसर है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है कि भाई इस सेगमेंट के दूसरे प्रोसेसर को टक्कर दे पाए, तो परफॉर्मेंस के मामले में मैं बोलूंगा दूसरे फोन्स बहुत सारे अवेलेबल है। केवल एक चीज है कि इस प्राइस सेगमेंट में फुल HD+ डिस्प्ले हमको बहुत कम फोन्स में मिलता है, तो एक कारण ये बनता है कि आप इस फोन को ले सकते हो, अदरवाइज दूसरे बहुत सारे फोन्स अवेलेबल हैं जिनकी तरफ आप जा सकते हो। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से आपको क्या लगता है, फोन लेने लायक है या नहीं है, किस प्राइस पॉइंट पर आप लेना पसंद करोगे इस फोन को, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।